हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर चिकित्सा ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटे यूजीसी नेट यूपी टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग 2019। महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आप एनटे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट का एग्जाम आने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला उच्च शिक्षा संस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता व मद्रास में 1781 में खोला था, यानी कि पहला हायर एजुकेशन का जो संस्थान था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता और मद्रास में, मद्रास को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं और कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जाना जाता है, 1781 में इन दो जगह पर हायर एजुकेशन का पहला संस्थान खोला गया। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1791 में की गई थी, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, उन सबको इस वीडियो को शेयर करें। और इस बार की हमारी वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक का, और मुझे उम्मीद है ये टारगेट आप मेरे साथ मिलकर जरूर पूरा कराएंगे, क्योंकि आप एक छोटा सा टारगेट जरूर रखा करो। जब भी आप डेली उठते हैं, सुबह उठते एक टारगेट सेट किया करो, जैसे मैं भी एक टारगेट सेट करता हूं कि डेली मैं कोशिश करूं एक वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे दूं। मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर चिकित्सा ट्रिक्स है और अब तक मैं लगभग आपको 920 के करीब वीडियो दे चुका हूं, जो बिल्कुल यूनिक वीडियो है, कोई भी वीडियो रिपीटेड नहीं है। अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं तो आप 100% किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सफल हो सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? सन 1800 में की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। लॉर्ड मैकाले एक्ट, आपको ध्यान होगा लॉर्ड मैकाले का कानून माना जाता है इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, तो लॉर्ड मैकाले का कानून 1835 में आया था। बुड घोषणा पत्र किस ईयर में घोषित किया गया था? बुड घोषणा पत्र भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 1854 में घोषित किया गया था। कलकत्ता बॉम्बे मद्रास यूनिवर्सिटी किस ईयर में स्थापित की गई थी? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में तीन यूनिवर्सिटी एक साथ स्थापित की गई थी 1857 में। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है और पिछले एनटी यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया था। 1857 यानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष भी इसे माना जाता है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसी ईयर में कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की। हंटर आयोग, हंटर आयोग का बहुत इंपॉर्टेंस है, भारतीय शिक्षा नीति लागू हुई थी हंटर आयोग के द्वारा 1882 में। कई बार यह पूछा जा सकता है हंटर आयोग कब आया था, तो हंटर आयोग भारत में 1882 में आया था। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। नेक्स्ट है, सार्जेंट रिपोर्ट भारत में किस वर्ष में लागू हुई थी? 1944 में। सार्जेंट रिपोर्ट का वर्ष है 1944। इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो आपको बताया सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में जब लागू हुई उसके द्वारा यूजीसी की स्थापना की गई थी, और ये थ्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, बनारस में और दिल्ली में 1945 में स्थापित की गई थी। और ये यूजीसी स्थापित किया गया था इन तीन यूनिवर्सिटी के वर्क को देखने के लिए, ABD। ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, ABD, यानी कि अलीगढ़, ए से आगरा नहीं करिएगा, अलीगढ़ जाके ताले मशहूर हैं, बनारस जाके काशी विश्व हिंदू टेंपल है, और दिल्ली, दिल्ली तो हमारी कैपिटल है, वो आपको याद होगा। तो ABD 1945 में इन तीन यूनिवर्सिटीज की देखरेख के लिए यूजीसी बनाया गया था। और आपको ध्यान होगा 1857 में जो मैंने बताया कोलकाता बॉम्बे और मद्रास, KBM, कोलकाता बॉम्बे और मद्रास में तीन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, इसमें बी कॉमन है, ये याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको साथ साथ याद रहेंगे, यूजीसी की स्थापना हंटर आयोग के द्वारा।
सर्वपल्ली आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसे सर्वपल्ली आयोग कहा गया 1948। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन विच अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो आयोग आया था वो सर्वपल्ली आयोग आया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना 1956 में की गई थी। 1956 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI जितने भी मेडिकल के कोर्स हैं, BMS है, MBBS है, वो सब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होने चाहिए। ये भी 1956 में स्थापित हुई थी जब UGC स्थापित हुई और ये एक्ट 1993 में दोबारा से अमेंड किया गया था, सुधार किया गया था 1993 में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्टेचुअरी बॉडी है। कई बार ये क्वेश्चन दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी है, स्टेचुअरी बॉडी है और ये जितने भी LLB बच्चे करते हैं यानी वकील बनते हैं वो बार काउंसिल उनको लाइसेंस देती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई थी। 1961 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, आपने देखा भी होगा NCERT का सिलेबस, NCERT की किताबें, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT की किताबें कही जाती हैं, आपको पढ़नी चाहिए। NCERT की स्थापना भी 1961 में की गई। तो 1961 में दो संस्थाएं बनी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT। कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1964 से कोठारी आयोग की रिपोर्ट आई थी। कोठारी आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर DS कोठारी, कोठारी कमीशन वॉज एस्टेब्लिश टू एक्सप्लोर न्यू नॉलेज इन कंटेस्ट ऑफ ट्रूथ एंड इंटरप्रेट इट इन टर्म्स ऑफ एंशियंट नॉलेज एंड बिलीफ इन कॉन्टेम्प्रेरी नीड। कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी जो नई नॉलेज है उसको प्राचीन नॉलेज के साथ विश्वास के साथ मिला के एक नया एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी इस बारे में। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, यह अपॉइंट किया गया था वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी लेजिस्लेशन ऑटोनॉमी के लिए और इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। जो यूनिवर्सिटी होते हैं, जो अपॉइंटमेंट होगा वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का और उनके इनकम एक्सपेंडिचर को चेक किया जाएगा। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964। राज्य शिक्षा संस्थान अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का राज्य शिक्षा संस्थान कब स्थापित किया गया था? 1964 में किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, जैसे NCERT होता है ऐसे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बनाया गया था 1981 में। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है 1985 में की गई थी, 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम 1986 में लागू की गई थी। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ कब बनाया गया था? जिला शिक्षा प्राथमिक संघ 1986-87 में बनाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1987-88 में। मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सीनियर सिटीजन्स को पढ़ाने के बारे में था, यानी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए, उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में 1987-88। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में की गई थी और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, फर्स्ट एंड एडवाइजरी बॉडी, पहले एडवाइजरी बॉडी थी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एजुकेशन और 1987 में इसे स्टेचुअरी बॉडी का स्टेटस मिला था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको याद रखना है दोनों चीजें, AICTE की स्थापना 1945 में हुई जबकि इसे स्टेचुअरी बॉडी का स्टेटस मिला था 1987। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन BEd, BTC, DLED इन कोर्सेस को एफिलिएशन देता है
एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक स्टेचुअरी बॉडी है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। यूजीसी हैव लॉन्च करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यूजीसी ने पहली बार करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब चलाए थे, 1994-95 में चलाए थे। मिड डे मील स्कीम कब स्थापित की गई थी, 1995। इसमें जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको दूध और खाना दिया जाता था दोपहर को, और अब भी दिया जाता है मिड डे मील स्कीम में, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, 1995-1996 में स्टार्ट किया गया था स्कूल चलो अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया, 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी, 2004 में स्टार्ट की गई। राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा नेशनल काउंसिल फेडरेशन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में यूपी से लागू की गई थी, 2005 में नेशनल लेवल पे और यूपी में 2011 में लागू की। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, सबसे पहले शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से यह एग्जिस्टेंस में आया था। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इसी एक्ट के तहत 2009 से लागू की गई थी, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 2009 से। ए हाई लेवल कमेटी वॉज सेटअप इन अप्रैल 2009 हेडेड बाई यूजीसी चेयरमैन यशपाल, इसे यशपाल कमेटी भी बोलते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री, हायर एजुकेशन को रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए 2009 में यशपाल कमेटी की स्थापना की गई। द एब्रीवेशन स्कोव स्टैंड्स फॉर व्हाट, SCOV फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये यूजीसी ने स्थापित की थी वोकेशनल एजुकेशन के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्ञान शिक्षण संस्थान, ज्ञान शिक्षण संस्थान का क्या पर्पस था स्थापित करने का, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट नियो लिटरेट एंड स्कूल ड्रॉप आउट, उन लोगों को वोकेशनल शिक्षा देना जो नॉन लिटरेट है यानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, नियो लिटरेट है यानी जिन्हें अपना नाम लिखना पढ़ना आता है, और स्कूल ड्रॉप आउट जिन्होंने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ दी। माना जाता है कि पांचवी से पहले ड्रॉप आउट को स्कूल ड्रॉप आउट कहा जाता है इंडिया में। नवोदय विद्यालय किस एरिया के लिए खोले गए थे, ये रूरल एरिया के लिए खोले गए थे नवोदय विद्यालय। हु वाज द हेड ऑफ यूजीसी कमेटी ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1969, ये थी पीटी चांदी कमेटी। पीटी चांदी कमेटी की स्थापना 1969 में की गई थी और यूजीसी ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन को ठीक करने के लिए इस कमेटी की स्थापना की। न्यूपा NUEPA ये एक प्रोग्राम है जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है एजुकेशनल प्लानिंग का। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विच बोर्ड रिकमेंडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स अप टू पीजी लेवल अक्रॉस द कंट्री। कौन से बोर्ड ने पीजी लेवल तक गर्ल्स के लिए शिक्षा फ्री की है पूरे देश में, यह सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैबे, कैबे ने कहा है पीजी लेवल तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, CAB। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लॉन्चेस समीप प्रोग्राम, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने समीप प्रोग्राम लागू किया था। समीप की फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम। हु वाज द चेयरमैन ऑफ रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी, रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन है जनार्दन रेड्डी। व्हाट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भारत की एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। सर चार्ल्स वुड ने 1854 में रिकमेंड किया था क्रिएटिंग ए प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन शुरू की जाए, सर चार्ल्स वुड, इसे वुड आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1854 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इसके कारण ही स्टार्ट हुआ था। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉलोअर्स कंटिन्यूअसली वॉचिंग माई वीडियोज, लगभग आप 1,00,000 मिनट मेरी वीडियो देख चुके हैं। आप हमें हेट डेडिकेशन भी कर सकते हैं,
अगर आपने अर्न किया है हमारी वीडियो को लगातार देखते हुए। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है A to Z करियर सीक्रेट ट्रिक्स, इसे सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल वाला आइकन भी जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो काफी काम की है उन बच्चों के लिए जो NTA UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPTET एग्जाम की तैयारी करने वाले। गॉड ब्लेस यू एंड आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा।